गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम चांदनी ठाकुर. वेलकम टू मूलनीट क्लासेस. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दिस इज 18 चैप्टर एंड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो आपने कल लेक्चर जो मैंने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें आपका क्या था. पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें क्या है. ये जैसे आपका इसमें ऑफ कोर्स हम इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं. देन आपको पता ही है आपके इसमें लंग्स आएंगे, ठीक है ना. देन जस्ट वेट. ओके दिस इज़ योर लंग्स. ये आपके लंग्स हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका लंग्स में आपका एक विंड पाइप था, ठीक है, जिसे हम ट्रैकिया बोल रहे थे. देन आपका यहीं पे लैरिंग्स था, ठीक है. फिर आपका एक आपका लेफ्ट लंग एंड राइट लंग था. ओके देन आपकी ओल्फैक्टरी रीजन, नेजल कैविटी, ठीक है ना. देन इसमें आपका टंग, एपिग्लॉटिस हाइड, ठीक है, एंड आपका विंड पाइप, ट्रैकिया जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये सब. देन ये आपका NCERT का ही है डायग्राम, ठीक है ना. ये आपका NCERT का डायग्राम है. देन इसमें क्या है, दिस इज एपिग्लॉटिस. ओके देन दिस इज ट्रैकिया. ये पूरा आपका क्या है, ट्रैकिया है ये. ओके देन ये आपका राइट लंग्स एंड दिस लेफ्ट लंग्स. देन यहीं पे आपका हार्ट सिचुएटेड होता है. देन दिस इज डायफ्राम. ओके देन ये आपके लंग्स हैं. ओके एंड दिस इज रिब्स. ये आपका कट एंड ऑफ रिब्स है. देन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है ना. डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है, तो हम इसको ही डिस्कस करेंगे. ओके देन फर्स्ट जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो आपका रेस्पिरेशन होता है बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है ना, बाई बॉडी सरफेस. देन इसमें आप लोग देख लीजिए, इन यूनिसेलुलर एनिमल्स, आपके यूनिसेलुलर एनिमल्स में सच है, जैसे आपका अमीबा, पैरामीसियम, स्पॉन्जेस, सीरिनट्रेट्स, ठीक है ना, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन विद द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ बॉडी सेल्स टेक प्लेस बाई डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस. इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपके अमीबा, पैरामीसियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है, वो ऑक्सीजन, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को, ठीक है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल टेक प्लेस करते हैं डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस. किसके थ्रू, आपकी डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है ना. ये आपकी बॉडी है, देन आपकी बॉडी सरफेस के थ्रू ही ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड अंदर की CO2 को आपका बाहर निकालते हैं. किसके थ्रू, बॉडी के सरफेस के थ्रू. और कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं ये, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में आपको लास्ट लेक्चर जब मैंने लिए थे आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के, तो उसमें ही मैंने आपको समझाया था कि डिफ्यूजन का मीन्स होता है आपका हायर कंसेंट्रेशन से कोई भी मटेरियल आपका लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करता है, ठीक है ना. दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड ब्लड. इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं. किसके पास, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गन सच एज अमीबा, पैरामीशियम एंड आपके स्पॉन्जेस, सिलिंड्रेट्स, फ्लैटवर्म, इनके पास. ये किसके थ्रू करते हैं अपना बॉडी, मतलब आपका रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, आपकी बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है. नेक्स्ट इसमें आप लोग देख लीजिए, ये देखिए आपका बॉडी सरफेस के थ्रू आपका अर्थवर्म भी, आपका जो अर्थवर्म होता है वो भी अपना बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करता है, ठीक है ना, बॉडी सरफेस. देन आप स्किन भी पढ़ेंगे, गिल्स भी पढ़ेंगे, स्पाइरिकल्स भी पढ़ेंगे, इनको हम अभी देखते हैं. ओके देखिए ये आपका अमीबा है, ठीक है ना. अमीबा में आपका किसके थ्रू हो रहा है, बॉडी सरफेस के थ्रू आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है ना. ये आपका सेल सरफेस, दिस इज अमीबा, देन ऑक्सीजन इसने लिया, देन CO2 बाहर निकाला. और आपकी प्रोसेस कौन सी है, डिफ्यूजन, ठीक है ना, बाय डिफ्यूजन. देन आपका स्किन के थ्रू है, तो आपका अर्थवर्म में स्किन के थ्रू होता है, ठीक है ना. आपके जो टैडपोल्स हैं उनमें आपका गिल्स, देन आपका
मैमल्स में आपका लंग्स के थ्रू, ठीक है ना, एंड इंसेक्ट्स में आपका ट्रैकिया के थ्रू, तुम इन सबको पढ़ेंगे। अब आपका आता है स्किन, ठीक है ना, रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है आपका, स्किन के थ्रू हो रहा है। तो इसमें देख लीजिए, द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू हाईली वस्कुलर स्किन, किसके थ्रू होता है, हाईली वस्कुलर स्किन के थ्रू, ठीक है ना। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज है वो हाईली वस्कुलर स्किन के थ्रू होता है, इसे हम बोलते हैं, तो इसे क्या हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। देन आपका है इट टेक्स प्लेस इन एनिलिडा, ये किसमें होता है आपका, एनिलिडा में होता है, ठीक है ना। सम क्रिस्टेशियंस एंड एम्फीबियंस, और क्रिस्टेशियंस कौन होते हैं आपके, आपका प्रॉन वगैरह, ठीक है ना। तो सम क्रिस्टेशियंस एंड एम्फीबियंस में किसके थ्रू होता है आपका, स्किन के थ्रू होता है। जो स्किन के थ्रू आपका रेस्पिरेशन होता है उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है ना। द स्किन इज इन दिस एनिमल इज थिन, इनकी स्किन कैसी होती है, थिन होती है, हाईली वस्कुलर होती है, परमेबल होगी, परमेबल का मतलब होता है कोई भी मटेरियल, ठीक है ना, कोई भी गैसेस या मटेरियल वो आपकी किसी भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार निकल जाता है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन से आपका आर पार निकल जाता है, इसे हम बोलते हैं परमेबल। तो कैसी होती है इनकी सेल मेम्ब्रेन, परमेबल, एंड इज कैप्ट मोस्ट फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और ये मोस्ट होती है किसके लिए, गैस के डिफ्यूजन के लिए, ठीक है ना। तो स्किन में क्या है आपका, जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना, स्किन जो आपका एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है आपका थ्रू हाईली वस्कुलर स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है ना। इसमें कौन कौन आएंगे आपके, एनिलिडा, एम्फीबियंस, क्रस्टेशियंस एंड एम्फीबियंस, ठीक है ना, ये सब आते हैं। देन आप देख लीजिए, देखिए ये कौन है आपका, ठीक है ना, अर्थवॉर्म। देन आई ब्रीथ थ्रू माई स्किन एज लॉन्ग एज इट स्टे वेट, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि मैं किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता हूँ, ब्रीथ करता हूँ, स्किन के थ्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी देख लीजिए, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, देखिए अर्थवॉर्म है आपका, ठीक है ना, थ्रू रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हो रहा है। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ऑक्सीजन इट टेक डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, ऑक्सीजन लेता है अपने सराउंडिंग से, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन एंड आउट थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन और द बॉडी सरफेस इन अर्थवॉर्म एंड लीच, द स्किन इज मोस्ट, ठीक है, अर्थवॉर्म में एंड लीच में आपका स्किन इज मोइस्ट होता है एंड हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आपका गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका ट्रैकिया, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, ट्रैकिया है। तो इन इंसेक्ट्स, ठीक है, इन इंसेक्ट्स अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स, इसमें क्या होता है, इन इंसेक्ट्स में क्या होता है, फाइन ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है कॉल्ड ट्रैकिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया या ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। एक फाइन ट्यूब का नेटवर्क होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट फ्रेश एयर फ्रॉम एटमोसफियर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रेश एयर को कहाँ से, एटमोसफियर, एटमोसफियर से कहाँ पे, टिश्यू सेल्स में, फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, किसके लिए, रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए। मतलब आपका बाहर से इसने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ये आपका एटमोसफियर है, ठीक है, देन इसने ऑक्सीजन लिया, ठीक है ना, एंड देन इसने ऑक्सीजन अंदर आया किस आपका, और ये किसके थ्रू होता है आपका, ट्रैकिया, ठीक है ना, ट्रैकिया, एक फाइन ट्यूबल्स का नेटवर्क होता है इनके अंदर, सिम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है ना, हेल्प कराता है, दिस इज कॉल्ड ट्रैकियल रेस्पिरेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये है आपका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है ना, ये किसमें मिलता है आपका, इंसेक्ट्स में मिलेगा। देन आप ये देखिए, ये आपका एयर सैक है, ये ट्रैकियल ट्रैकिया है, ठीक है ना, ये स्पैरिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आपका ऑक्सीजन इसने माउथ के थ्रू लिया, देन ये है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए इसमें, नेक्स्ट आपका है गिल्स, ओके, नेक्स्ट आप गिल्स को देखिए, इसमें क्या है, इन सम एनिलिडा, कुछ एनिलिडा में एक्यूटिक क्रस्टेशियंस जैसे प्रॉन एंड क्रेफिश, मॉलस्कस, ठीक है ना, एंड इकाइनोडर्म्स एंड ऑल्सो इन फिशेस, और फिशेस में इंसेक्ट्स लार्वा, लार्वा जो इंसेक्ट्स के लार्वा होते हैं उनमें एक्विटिक एम्फीबियंस एंड एम्फीबियंस के लार्वा, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी टेक प्लेस
बाई गिल्स, किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, टेक प्लेस बाई गिल्स के थ्रू, दिस इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, तो हमने गिल्स की बात की, ठीक है ना, तो हम इसमें जो आपका फिश का इसमें डायग्राम देखेंगे, तो ये देखिए, ये आपका क्या है, वाटर से क्या ले रहा है ये, ठीक है ना, ऑक्सीजन इसमें आपका डिजॉल्व है तो ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है ना, एंड ऑक्सीजन फिल्टर्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना, ऑक्सीजन फिल्टर होता है इनटू ब्लड स्ट्रीम में थ्रू गिल्स के थ्रू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू वाटर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इनटू वाटर में। ओके, नेक्स्ट आपका ये और है, आपका ये भी देखिए आप, जस्ट वेट, ओके, नेक्स्ट ये देखिए, इसमें क्या है आपका फिश, ठीक है ना, तो गिल्स, ये आपकी गिल्स हैं, देखिए ये आपकी क्या है, गिल्स हैं, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है, ये आपकी गिल्स फिलामेंट हैं, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाटर इन थ्रो माउथ, वाटर किसके थ्रू लेता है ये, माउथ के थ्रू, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट देखिए, वाटर आउट थ्रो गिल्स, और वाटर आउट किससे करता है ये, गिल्स से, वाटर अंदर लेता है माउथ के थ्रू एंड आउट करता है आपके गिल्स के थ्रू, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका बना हुआ है जो आर्क है आपका ये, ठीक है, तो आपका स्टेप से होता है, इसमें गिल आर्क होता है ये, देन इसमें देखिए फ्लामेंट है, आपको दिख रहा है ना ये फ्लामेंट, ठीक है, ये आपके फ्लामेंट है, देन इसमें लैमिला, ठीक है ना, फ्लो ऑफ वाटर आपका क्यों होता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें आपका ये एक लैमिला है ये, ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन पुअर, ब्लड फ्लो आपका यूँ होगा, ठीक है, देन लैमिला, ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो, ठीक है, देन आपका ये गिल्स है इसमें, ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करती हैं आपकी फिशेस, गिल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, जो आपका फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन होता है वो टैडपोल्स यूज गिल्स टू रेस्पायर, ठीक है ना, जो टैडपोल्स होते हैं, टैडपोल्स कौन होते हैं, जो आपके फ्रॉग का, ठीक है ना, फ्रॉग का जो लार्वा है वो, जस्ट वेट, देखिए, टैडपोल्स यूज गिल्स टू रेस्पायर, ठीक है ना, जो आपके टैडपोल्स हैं वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, आपके गिल्स के थ्रू, ठीक है ना। देखिए, ये है आपका टैडपोल, ठीक है, ये आपका टैडपोल है, देन फ्रॉग डू नॉट हैव गिल्स, फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते हैं, एंड दे हैव टू यूज अनदर फैक्टर फॉर रेस्पिरेशन सच एज, इनके पास अनदर फैक्टर होते हैं गिल्स के अलावा, कौन, स्किन के थ्रू कर सकते हैं, लंग्स से कर सकते हैं, एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है ना, ये नॉस्ट्रल्स हैं, माउथ कैविटी है, देन या इसके लंग्स हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसका, ये देखिए फ्रॉग, ओके। देन अब हम बात करते हैं लंग्स, जो आपका किसका करेक्टरिस्टिक्स है, ये मैमल्स का, ठीक है। देन इसमें देखिए, इन सम एम्फीबियंस एंड ऑल लैंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, कुछ एम्फीबियंस एंड जितने भी जमीन पर रहने वाले वर्टिब्रेट्स, नेमली रेप्टाइल्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय लंग्स, ये रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, आपके लंग्स के द्वारा, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और हाँ, जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो स्किन के थ्रू, तो उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल रहे थे, ध्यान है ना, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट इसे देखिए आप, ये देखिए, जस्ट बेटा, इसको इरेज कर दूँ मैं, ओके, इसमें देखिए, आपने एयर को इनहेल किया, ठीक है ना, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है ना, रिब केज एक्सपांड एंड रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, आपका रिब केज, जो आपका रिब केज है ये एक्सपांड कर गया एंड रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है ना, इसमें आपके लंग्स हैं, एंड डायफ्राम ऑल्सो आपका कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम क्या किया आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इनहेलेशन में, इनहेल का मतलब होता है आप एयर जब अंदर लेते हैं, ठीक है ना, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड ये मूव डाउन, ठीक है ना, वैसे तो आपका डायफ्राम नॉर्मल शेप में यूँ होता है, तो क्या कि ये मूव डाउन हो गया, ठीक है ना, इस टाइप से। देन आपने एक्सेलेशन किया, एयर को एक्सेल किया, बाहर निकाला, तो रिब केज गेट स्मॉलर एज रिब मसल्स रिलैक्स, आपकी रिब केज क्या हो गई, स्मॉलर हो गई, रिब मसल्स
जो आपकी रिब मसल्स थी वो रिलैक्स हो गई। देन एक्सलेशन में डायफ्राम रिलैक्स, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था ठीक है ना, यहाँ पे आपका रिलैक्स हो गया एंड मूव्स अप, और इसने मूव अप कर लिया ठीक है ना यू। ओके नेक्स्ट आप देखिए, देखिए डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीथिंग, जस्ट वेट। नेक्स्ट इसमें देखिए आप लोग, ये देखिए आपके लंग्स हैं ठीक है ना, देखिए ये रिब केस के अंदर आपका प्रोटेक्ट रहता है ठीक है ना, आपका लंग्स, देखिए ये आपके लंग्स हैं ठीक है। देन ये आपका नोज माउथ, देन ये आपका एपिग्लॉटिस है ठीक है ना, ये आपका फेरिंग्स वाला पार्ट है, ये आपका लैरिंग्स है, देन दिस इज अ ट्रैकिया ठीक है ना। ट्रैकिया फिर डिवाइड करते हैं आपके ठीक है ना, ये आपका ट्रैकिया जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रा से डिवाइड करते हैं। देन आपका ये ये आपका ब्रोंकस है ठीक है ना, यू करके डिवाइड करेंगे ब्रोंकस ठीक है ना, ब्रोंकस फिर फर्दर डिवाइड करते हैं तो ब्रोंक्यूल्स से आपके डिवाइड होते हैं, देन प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स ऐसे बनते हैं ठीक है ना। फिर हमने एक ब्रोंक्यूल्स का यहाँ पे, ये जो आपका ब्रोंक्यूल्स है, एक ब्रोंक्यूल्स का यहाँ पे हमने इसको इनलार्ज करके देखा, तो देखिए ब्रोंक्यूल्स ठीक है ना, ब्रोंक्यूल्स में आपकी वीन सप्लाईज हैं, आर्टरी की सप्लाईज हैं ठीक है ना, जो आर्टरीज हैं यहाँ से वो आपका इसको वीन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड आर्टरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ठीक है ना, ये आपके कैपिलरीज है ठीक है ना। देन आपका ये है एल्वियोलाइज में ठीक है ना, ब्रैंक्यूल्स ये देखिए ये एल्वियोलाई है ठीक है ना, एल्वियोलाई पोर है आपके, देन ये एल्वियोलाई सैक होता है ठीक है। नेक्स्ट आप एक और डायग्राम देखिए इसमें, जस्ट वेट मैं थोड़ा सी रेज कर दूँगा। ओके ये देखिए इसमें आपका क्या है, देखिए नेजल कैविटी ठीक है, देन आपका माउथ, देन आपका ये एपिग्लॉटिस है ठीक है ना, ये आपका ग्लॉटिस, देन आपका ये लैरिंग्स वाला पार्ट है, ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया जब आपका डिवाइड करता है तो ये ब्रोंकस में डिवाइड करता है ठीक है ना। मैं प्लूरा और रिब्स की बात में करूँगी ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे इसकी है ना। ये आपका लेफ्ट लंग्स है एंड ये आपके राइट लंग है। नेक्स्ट आपका एल्वियोलाई ठीक है ना, अब देखिए आपको यहाँ पे, यहाँ से हमने एक स्ट्रक्चर इसका उठाया, देन इसको इनलार्ज किया तो आपके ब्रैंक्यूल्स ठीक है ना, ये आपके ब्रैंक्यूल्स हैं, देन ब्रैंक्यूल्स आपका ठीक है, देन देखिए अब आपके ये एल्वियोलाई हैं ठीक है ना, एल्वियोलाई, देन देखिए ये एल्वियोलाई क्रॉस सेक्शन इसका हमने काटा, देन यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, देन ऑक्सीजन ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, देन कार्बन सॉरी ऑक्सीजन आपकी अंदर आ रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकल रही है ठीक है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे एक आपने इसके एयर स्पेस को देखा ठीक है ना, एल्वियोलर वॉल इसकी, इसमें कैपिलरीज एंड O2 का इंटेक हो रहा है और आपका CO2 आपका बाहर निकल रहा है ठीक है ना। इन सबको हम पढ़ेंगे कैसे आपका O2 अंदर आता है, कैसे CO2 बाहर निकलता है ठीक है। अब ये लास्ट है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, तो इसमें देखिए आपके डिफरेंट वेज हैं ब्रीथिंग के। तो पहला आपका क्या है इसमें, स्पाइडर ठीक है ना, जो आपके इंसेक्ट्स हैं उनके पास लंग्स, बुक लंग्स हैं ठीक है ना, एंड स्पॉन्जेस में आपके ये सेल डिफ्यूजन के थ्रू कर रहा है ठीक है ना, एंड आपका ये आपका लंग्स के थ्रू ठीक है ना, ये आपके वर्ड्स में आता है, देन ये लंग्स के थ्रू, ये फिश है गिल्स के थ्रू, देन ये आपके इंसेक्ट्स हैं तो इंसेक्ट्स में आपका ये स्पैरिकल्स के थ्रू ठीक है ना, कैटरपिलर आपका स्पैरिकल के थ्रू या ट्रैकिया के थ्रू डिफ्यूजन कर रहा है। अब आपका आता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, तो इसमें क्या है, द एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन गैसेस एट टू प्लेस इन मल्टी सेलुलर एनिमल। क्या बोल रहा है ये, जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है वो इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एट टू प्लेस ठीक है ना, इसमें दो प्लेस होते हैं इन मल्टी सेलुलर एनिमल में, फर्स्ट वन आपका एक्स्ट्रा सेलुलर एंड सेकेंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या है, वन बिटवीन द बॉडी सरफेस ठीक है ना, आपका बॉडी सरफेस सपोज द बॉडी सरफेस है ठीक है, तो वन बिटवीन द बॉडी सरफेस एंड सराउंडिंग मीडियम, और इसके चारों तरफ का ये मीडियम है, तो वन बिटवीन द बॉडी सरफेस एंड सराउंडिंग मीडियम इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब आपका बाहर का एनवायरनमेंट ठीक है, उससे आपकी O2 आई एंड आपका ये बॉडी सरफेस है ठीक है ना, तो बॉडी CO2 निकली, ये आपका हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सिंपल है। देन अदर बिटवीन द इंडिविजुअल सेल, कोई भी आपकी सेल है
ठीक है ना, सेल है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, तो उसके पास क्या है और इंटरस्टिशियल फ्लूड अराउंड दैम, ठीक है ना, तो आपका इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड और इंटरस्टिशियल फ्लूड अराउंड दैम, जो आपकी सेल्स हैं, ठीक है ना, सेल्स के अराउंड क्या है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूड, तो उनके बीच में यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये आपका सेल के लेवल पर जाके होता है, ठीक है ना, जो हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था सेम वही प्रोसेस है इसमें, तो आप देख लीजिए थोड़ा इसकी पॉइंट्स हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन द मूवमेंट गैसेस इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी, इसमें बॉडी से आपकी गैस इनटू होती है, मतलब अंदर आती है एंड बाहर निकलती है, इसमें इंटरसेलुलर ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म, इसमें इंटरसेलुलर ऑक्सीजन का क्या होता है इसमें मेटाबॉलिज्म होता है, गैस ट्रांसफर फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू ऑफ बॉडी, गैस ट्रांसफर करती है फ्रॉम लंग्स एंड टिश्यू ऑफ बॉडी, ठीक है ना, और बॉडी के टिश्यूज तक, ठीक है ना, देन इसमें आपका क्या है सेलुलर, ये आपके सेल के लेवल तक ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें ऑक्सीजन एंड CO2 का, एंड मेंटेन बॉडी सेलुलर आपका होम्योस्टोसिस, देन इसमें क्या है ATP जनरेशन एंड O2 का यूटिलाइजेशन करते हैं, ATP भी इसमें जनरेट होता है, ठीक है ना, नेक्स्ट आप देखिए इसमें, जस्ट वेट, रेस्पिरेशन इसमें क्या है रेफर्स टू इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इसमें आपका वन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो इंक्लूड ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन एक्सचेंजेस O2 एंड CO2 विद द एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरनमेंट में आपकी ऑक्सीजन आपकी एटमोसफियर से अंदर आएगी एंड CO2 आपकी एटमोसफियर में रिलीज हो जाएगी, इंटरनल में क्या रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मैंने कहा था ना ये रिजल्ट क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये रिजल्ट होता है कौन इंटरनल रेस्पिरेशन, इन्वॉल्व्स द अपटेक ऑफ O2, इसमें O2 का अपटेक करते हैं एंड प्रोडक्शन होता है ऑफ CO2 का विद द इंडिविजुअल सेल्स, एक सेल्स में, ठीक है ना, सेल्स के अंदर होता है इसमें, ठीक है ना, देन आपका इसमें देखिए, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, जस्ट वेट, बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स, देखिए इसमें O2 आपने ली लंग्स तक गई एंड लंग्स से आपकी CO2 बाहर निकली, बस इतना आपका आता है एक्सटर्नल में, देन इंटरनल में आप देख लीजिए इंटरनल में क्या है आपका, देखिए आपके क्या है आपका, ये देखिए ये क्या है आपकी सेल्स, ठीक है ना, ठीक है ना, एंड ये एरिथ्रोसाइट्स इसमें, ठीक है ना, ये आपकी ब्लड है इसमें एरिथ्रोसाइट RBCs है, ठीक है, देन इसमें आपका सेल के लेवल पे होता है, तो इसमें आपका ऑक्सीजन सेल के लेवल पे आपका अंदर आएगा, देन आपका CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है ना, बिटवीन ब्लड एंड सेल, ये आपकी ब्लड, ठीक है ना, ब्लड और सेल के बीच में ये इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है ना, देन अब जो हमारा कल लेक्चर, इसमें जो अब हम कल आपका डिस्कस करेंगे उसमें होगा आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, इसमें आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, इसमें आप पढ़ेंगे वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नेयर्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो आपका इसमें हम पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना, देन आप इसको लर्न कीजिए, ठीक है, देन थैंक यू.